हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको लीनियर सर्च का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं और सीरियल सर्च भी बोलते हैं। ये एक सर्चिंग टेक्निक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्चिंग का मतलब क्या होता है। तो सर्चिंग हम कब परफॉर्म करते हैं? जब कोई हमें डेटा सर्च करना हो, तो अगर हमें कुछ सर्च करना है, अगर हमें किसी चीज को ढूंढना है, तो हम सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अगर हमें कुछ ढूंढना है तो हमें कुछ डिसीजन भी चाहिए होता है। जो हमें ढूंढना है वो हमें मिला या नहीं मिला, अगर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सर्च सक्सेसफुल हो गया है। अगर हम जिसमें ढूंढ रहे हैं जो कुछ डेटा, अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है। तो ये जो दोनों चीजें हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि सर्च जो हम डेटा कर रहे हैं वो सर्च हुआ, हमें मिला या नहीं मिला। अगर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सक्सेसफुल, अगर नहीं मिलता है तो हम उसे बोलते हैं अनसक्सेसफुल। यहाँ पे मैंने दो टेक्निक के नाम बताए हैं जो यूजुअली सर्चिंग के लिए यूज होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वाला टेक्निक है लीनियर सर्च, उसको ही हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च। ये तीनों नाम एक ही सर्चिंग टेक्निक को दिए गए हैं। और दूसरा वाला सर्चिंग टेक्निक है बाइनरी सर्च। अगर आपको सर्चिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा पहला वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। उस वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्चिंग क्या करता है, हमें सर्चिंग की क्यों जरूरत है और हमारे लिए सर्चिंग क्यों हेल्पफुल है। हम रोज के जीवन में कहाँ कहाँ पे सर्चिंग यूज करते हैं और वो हमारा जीवन कैसे इजी करता है, वो सारी चीजें मैंने वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन की है, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सर्चिंग की जरूरत क्या है। तो अभी हम इस वीडियो में आगे चलते हैं जिस पे मैं लीनियर सर्च पे फोकस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीनियर सर्च क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लीनियर सर्च जो है वो सबसे सिंपल वाला मेथड है जिसपे हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये सिंपल कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये जो टेक्निक होता है सर्चिंग टेक्निक, जिसमें हमें डेटा जो सर्च करना है वो हम सिक्वेंशियली सर्च करते हैं और लीनियरली सर्च करते हैं, इसलिए हम इस टेक्निक को बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च। तो कैसे हम सिक्वेंशियली करेंगे ये तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल तो हम देख लेते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये जो वाली मेथड है, जो सर्चिंग वाली मेथड है, वो दोनों टाइप ऑफ डेटा पे सर्च करती है। जैसे कि हमारे पास अगर अनसॉर्टेड डेटा है तो भी हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सॉर्टेड टाइप ऑफ लिस्ट है तो भी हम लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है जिसपे हमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हमारा जो डेटा होगा वो यूजुअली अरेज में होगा। आपको अरेज पता होगा, अरे क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि अरे क्या होता है। तो हम अरेज में जो डेटा अवेलेबल है वो अगर सॉर्टेड है और अनसॉर्टेड है, अगर अनसॉर्टेड है तो भी हम लीनियर सर्च कर सकते हैं, सॉर्टेड है तो भी हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कौन सा भी टाइप का डेटा हो हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि अनसॉर्टेड अगर डेटा है तो हमें क्या करना है। हमें यूजुअली जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट करना है कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट है, एरे है, जिसका जीरोथ एलिमेंट हमें कंपेयर करना है की एलिमेंट से जो हमें सर्च करना है।
हमें ये कंपैरिजन कंटिन्यू करनी है, आइदर हमारा जो एलिमेंट है वो हमें मिल गया है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल सर्च, और अगर वो नहीं मिलता है तो हमें वो कंटिन्यू करना है टिल एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ द लिस्ट तक हमें ये कंटिन्यू सर्चिंग करते रहना है, कंपैरिजन करते रहना है, अगर हमें रिक्वायर्ड डेटा एलिमेंट की एलिमेंट अगर हमें नहीं मिल रहा है, अगर हमें मिल रहा है तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है, पर नहीं मिल रहा है तो हमें एंड ऑफ द लिस्ट तक कंटिन्यू करना है। ये सारी चीजें हो गए अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए। अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो हमें क्या करना है, वही हमें करना है जैसे कि हम अनसॉर्टेड लिस्ट के साथ कर रहे थे, सेम एज ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। हमें जीरो से ही स्टार्ट करना है, हमें कंपैरिजन करते रहना है जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर एलिमेंट हमें मिलता है तो हमें स्टॉप करना है, अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें कंपैरिजन कंटिन्यू करते जाना है। बट हमें अभी ये भी सोचना है कि अगर यही हमें चीज करनी है तो फिर सॉर्टेड लिस्ट और अनसॉर्टेड लिस्ट ये अलग अलग हमने क्यों लिया है। तो अभी ध्यान से सुनना कि सॉर्टेड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सॉर्टेड लिस्ट में ये डिफरेंस होता है कि हमारे एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर में अरेंज है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अगर हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जो कि ऑलरेडी ऑर्डर्ड डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर्ड डेटा है, तो जो की एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हमें देखना है कि वो की एलिमेंट अगर छोटा है एवरी एलिमेंट से जो हम अभी कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम जो एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं उससे हमारा की एलिमेंट अगर छोटा है तो हमें सर्चिंग स्टॉप कर देना है। ये मैं चीजें आपको एकदम डिटेल में विथ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ, मेरी प्लेलिस्ट के साथ ट्यून बने रहे। अभी मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट है, 5, 10 एंड 15। उन ये 10 एलिमेंट से हमें 10 सर्च करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। 10 हमें कंपेयर करना है 5 से, लेस है हमारा की एलिमेंट 5 से जो कि जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं नहीं है, तो हमें कंटिन्यू करना है। 10 हमें कंपेयर करना है खुद 10 से, तो लेस भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है, ये तो इक्वल हो गया, तो हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया, तो हमें स्टॉप कर देना है। और अगर अनदर केस में अगर हमारे पास 5, 10 एंड 15 नंबर्स अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे एरे में, और अगर हमें 12 सर्च करना है, तो देखिए क्या होता है, अगर 12 सर्च करना है तो मैं 5 के साथ कंपेयर करूंगी, 12 लेस नहीं है 5 से तो हमें कंटिन्यू करना है। नाउ मैं 12 टेंस के साथ कंपेयर करूंगी, 12 10 से, 10 से कम नहीं है, लेस नहीं है, हमें कंटिन्यू करते जाना है। पर अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 15 है और मैं 12 15 के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो हमारा की एलिमेंट क्या होगा, छोटा हो गया जिसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ, मतलब कि 15 के साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ बट मेरा की एलिमेंट छोटा हो गया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे स्टॉप हो जाना है। ये हमारी क्या मदद करता है, अगर ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है एंड ऑफ द लिस्ट तक जाने के लिए अगर मेरा लिस्ट सॉर्टेड है, तो हम सॉर्टेड लिस्ट का यहाँ पे एडवांटेज लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं। तभी अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जीरो से स्टार्ट करके एंड तक जाना है अगर हमारा सर्च सक्सेसफुल नहीं है। अगर सर्च सक्सेसफुल है तो हमें स्टॉप कर देना है, बट अगर हमारा सर्च सक्सेसफुल नहीं है तो हमें कंटिन्यू करना है टिल एंड ऑफ द लिस्ट। बट ये केस नहीं होगा अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है। तो सॉर्टेड लिस्ट का एडवांटेज ये है कि हम ये वाला कंडीशन चेक करके हम सर्चिंग स्टॉप कर सकते हैं अगर हमारा की एलिमेंट कंपेयर करने वाले एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब कि आगे जाके कितने भी नंबर हमारे एरे में अवेलेबल हो वो आगे जाके हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डेटा बोल रहा है कि वो सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर। यही उल्टा होगा अगर मेरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में
ऑर्डर्ड होगा लिस्ट में और एरे में. तो ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के साथ मेरे अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए. यहाँ पे मैंने छोटा वाला एग्जांपल वर्किंग एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीनियर सर्च क्या होता है. जैसे कि हमें 95 सर्च करना है तो हमें जीरोथ एलिमेंट से सबसे पहले कंपेयर करेंगे, इक्वल नहीं है तो आगे जाके 12 के साथ कंपेयर होगा, इक्वल नहीं है तो 83 के साथ कंपेयर होगा, इक्वल फिर भी नहीं है तो 46 के साथ कंपेयर होगा, और इक्वल अभी 95 के साथ इक्वल है तो ये डिस्प्ले कर देगा कि ये हमारा सर्च सक्सेसफुल हुआ है. ये छोटा वाला एग्जांपल है, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि लीनियर सर्च का वर्किंग कैसे होता है, कि जो लीनियरली वन बाय वन एक एक करके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा टू चेक वेदर द कि जो हमें सर्च करना है वो हमारी लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं. तो दोस्तों मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस बताता है कि हमारे सर्चिंग टेक्निक का परफॉर्मेंस कैसे था और क्या हो सकता है. तो लीनियर सर्च का जो परफॉर्मेंस है वो हम कंपैरिजन, कितने कंपैरिजन हमें करने पड़ रहे हैं एक हर एलिमेंट सर्च करने में, तो वो हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो मान लो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एरे में है, उसका साइज अगर n है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, n. क्योंकि अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं हमारी लिस्ट में तो वो सारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. तो इसलिए हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ एन. अगले स्लाइड में मैं आपको कंपैरिजन एक्सप्लेन करूं, सॉरी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले एडवांटेजेस है, ये जो है वेरी सिंपल वर्किंग है और ये दोनों लिस्ट के लिए वर्क होता है. अनसॉर्टेड अगर मेरे पास है तो भी ये वर्क होगा, अगर सॉर्टेड लिस्ट है तो भी ये वर्क होगा. सॉर्टेड लिस्ट के लिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस होगा, क्योंकि अगर डेटा फाउंड होता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर मेरा डेटा नॉट फाउंड है तो ये लिस्ट अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड लिस्ट कंपैरिजन वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा जहां पे की वैल्यू जिस जो हमें सर्च करनी है वो अगर लेस है किसी भी नंबर से तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा. पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रैक्टिकली ये बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. तो अगर ये प्रैक्टिकली कम यूज होता है तो दूसरे और कोई एल्गोरिदम होंगे जो प्रैक्टिकली ज्यादातर यूज होते हैं, तो वो है बाइनरी सर्च एंड हैश टेबल्स. ये दोनों ज्यादातर यूज होते हैं जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है इन कंपैरिजन विद द लीनियर सर्च, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है. तो ये जो दूसरे एडवांटेज दूसरे सर्चिंग टेक्निक है वो ज्यादातर यूज होते हैं than that of the linear search. So thank you dear friends, आपने मेरा वीडियो देखा सुना. अगर आपको कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. अगर आपको मेरे वीडियोज के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. मेरे चैनल का नाम है टेक टॉक्स. मैं यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ. वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल हमेशा रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल हमें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा. यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. इसके साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पे और कुछ वीडियो का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ. सो thank you dear friends for listening and watching my video. Stay tuned with my channel Tech Talks. Thank you.